सो हेटेकीज कैसे हो आप सभी लोग। तो अगर आपका बजट 30,000 के आसपास और आपको चाहिए इस बजट में कोई सा एक बेस्ट फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन, तो मैंने आज आपके लिए कुछ स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाएगा, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है जहाँ पे OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और उसके अलावा जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो भी एकदम फ्लैगशिप लेवल की है। और ये जो बजट रेंज है ये अपने मिड रेंज फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आपको iQOO, OnePlus, POCO, MI और Realme के एकदम फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसा ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर पाए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A53। आप M53 के साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको अंडर 30,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट डेली डे टू डे यूजर्स के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए या फिर मीडियम गेमिंग के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था जहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरे की क्वालिटी मिल जाए, वाटरप्रूफ डिजाइन हो, तो A53 को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं A53 के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 800 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग का ही Exynos 1280 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, वन UI 4 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। इनबॉक्स आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला है, आपको अलग से चार्जर परचेस करना पड़ेगा। बात करें अगर कैमरे की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है अपर्चर F1.8 का, दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, तीसरे और चौथे कैमरे मिल जाते हैं 5+5 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, 4K तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड भी हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड मिल जाएगा, IP67 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट वाला सर्टिफिकेशन है, सैमसंग के नॉक्स सिक्योरिटी है, 4 साल तक के OS अपडेट्स मिलने वाले हैं और 5 साल तक के आपके इस स्मार्टफोन में सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट करंटली देखने को मिल जाता है 31,499 रुपीज में। और अगर आपके पास बैंक कार्ड अवेलेबल है तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 के बजट में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord 2T। तो अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए था, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है OnePlus Nord 2 का एक अपग्रेडेड वाला वर्जन है, इतना बड़ा कोई मेजर अपडेट नहीं देखने को मिलता है। बाकी अगर आपको OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए था जहाँ पे आपको क्लीन UI देखने को मिल जाए, बहुत ही अच्छे यूजर एक्सपीरियंस और टॉप नॉच लेवल की कैमरे की क्वालिटी हो, तो इस स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 1300 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको आराम से हेवी लेवल तक की गेमिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, Exynos 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वोल्ट के सुपर वूक फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सोनी का IMX766 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, OIS का सपोर्ट भी है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर स्लो मोशन पे भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको वर्चुअली रैम एक्सपांड करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, LPDDR4X की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 28,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है
पोको की तरफ से पोको F4। तो अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट फ्लैगशिप लेवल का पोको का स्मार्टफोन चाहिए था या फिर शाओमी का स्मार्टफोन चाहिए था तो इस स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और अभी इस स्मार्टफोन में सेल भी चल रही है जहां पे आपको SBI के डेबिट कार्ड पे एक्स्ट्रा 4000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन का बेस वेरियंट आपको अंडर 25,000 के बजट में भी मिल सकता है। बाकी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1300 इसकी पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें अगर प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 वाला एक पावरफुल फ्लैगशिप लेवल का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, MIUI 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि सपोर्ट करती है 67W के टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, OIS का सपोर्ट भी दिया गया है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 20MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक के वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड है जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, AI सीन डिटेक्शन, टिल्ट शिफ्ट जैसे। बात करें अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको X एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस की तरफ से, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, LPDDR5 की रैम मिल जाएगी, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा 27,999 रुपीज में। SBI के डेबिट कार्ड पे आपको 4000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइसिंग आपको 24,000 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से Realme GT 2। तो अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट रियलमी का ही फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन चाहिए था तो इस स्मार्टफोन को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास बैंक का ऑफर अवेलेबल है या फिर सेल में परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 में आराम से देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 1300 इंच की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी, HDR 10 प्लस वाली डिस्प्ले है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर के तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, Realme UI 3.0 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 65W के सुपर डॉट फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, OIS का सपोर्ट है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। बात करें अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से आने वाले सुपर लीनियर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम है, एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर भी है, LPDDR5 की रैम मिल जाएगी, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाता है 34,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है IQOO की तरफ से IQOO Neo 6। और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप IQOO 9 AC को भी जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आपका बजट अंडर 30,000 में तो आपको IQOO Neo 6 के साथ जाना चाहिए, लेटेस्ट है और जो प्रोसेसर दिया गया है वो भी आपको स्टेबल देखने को मिल जाता है। बाकी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस वाली E4 AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1200 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर के तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 वाला एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, फंटच ओएस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। 4700 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि सपोर्ट करती है 80W के सुपर फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरा फीचर्स के तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का, दूसरा कैमरा 8MP का और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको 4D गेम, X-axis लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाएगी,
डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 29,999 रुपीज में। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जिनके प्राइसिंग आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तो अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, तो आप जा सकते हैं सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A53 A52s के साथ, और वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट 2T भी आपको इस बजट में बहुत ही अच्छे कैमरे की परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। बाकी अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, तो आप आईक्यू नियो 6 रियलमी जीटी पोको F4 के साथ जा सकते हैं। ये तीनों स्मार्टफोन अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे देंगे। और अगर आपको डेली डे टू डे यूजेस के लिए स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आपको स्टेबल प्रोसेसर मिल जाए, अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस भी एकदम टॉप नॉच लेवल का हो, तो आप मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो S30 को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं, और सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A53 आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देंगे। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।